गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है पत्रकारिता के विविध आयाम, पत्रकारिता क्या होती है, इसके आयाम कौन कौन से होते हैं, पत्रकार की बे शाखाएं कौन कौन सी होती है, संतुलन किसे कहते हैं, स्रोत क्या होते हैं, ये सभी कुछ हम कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप पत्रकारिता के जो विशेष आयाम थे वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य आयाम है उनके बारे में जानेंगे। संपादकीय, संपादकीय किसे कहते हैं, इसको वैसे तो पढ़ चुके थे लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, इसे संपादकीय कहा जाता है। संपादकीय पेज कौन सा होता है, पेज नंबर 4, उसे संपादकीय पेज बोलते हैं। उस पर ये क्या करता है, जो संपादक होता है वो किसी भी मुद्दे को उठा के अपनी राय रखता है, राजनीतिक दलों की राय उसमें बताई जाती है, ये सभी कुछ इसके अंदर बताया जाता है। इसको इसके ऊपर है ना पेज नंबर 4 पे क्या लिखा होता है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जैसे ये है, मान लीजिए टॉपिक अंग्रेजी हटाए बिना हम देश में हिंदी कैसे लाएंगे, इस पर जो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है इन्होंने क्या किया है, अपनी राय डाल दी अभी इसमें। और क्या राय डाल दी, जैसे कुछ लाइने हैं, भारत सरकार का हिंदी दिवस मनाते मनाते 17 साल हो गए लेकिन कोई हमें बताए कि सरकारी कामकाज या जनजीवन में हिंदी क्या कदम, हिंदी क्या एक कदम भी आगे बढ़ी है। इसका मूल कारण यही यह है कि हमारे नेता नौकर साहब के नौकर है, बात के नौकर साहब हमारे स्थायी शासक है, उनकी भाषा अंग्रेजी है, देश के कानून अंग्रेजी में बनते हैं, अदालतें अपने फैसले अंग्रेजी में देती है, ऊंची पढ़ाई और शोध अंग्रेजी में होते हैं। अंग्रेजी के बिना आपको कोई ऊंची नौकरी नहीं मिल सकती। क्या हम हमारे नेता और सरकार से आशा करें कि वे अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग पर वे प्रतिबंध लगाएंगे। यह सराहनीय है कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर उच्चतम स्तर से जब तक अंग्रेजी को विदा नहीं किया जाएगा हिंदी की हैसियत नौकरानी की ही तरह बनी रहेगी। अब ये इस तरह से इस टॉपिक को उठाया इन्होंने, कौशिक जी ने, वैदिक जी ने, और इन्होंने ये अपना पूरा का पूरा जो इसमें फोकस डाला है वो हिंदी पे डाला है कि 70 साल हो गए सरकार को लेकिन आज तक जो हिंदी है वो ज्यों की त्यों है, उसका कोई भी उसमें किसी प्रकार का कोई परिमार्जन नहीं हुआ। आज खाने पीने में बोलने में अगर हम कहीं बाहर जाते हैं अंग्रेजी बोलेंगे तो सामने शौकत बढ़ेगी, हिंदी में बातचीत करेंगे तो हमारी इमेज डाउन होती है, ऐसा मानते हैं। और मान लीजिए किसी का बच्चा CBSE में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और उसको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है तो बड़ा मान सम्मान मानता अपना कि समाज में मेरा पूरा मान सम्मान है, बच्चे का पूरा मान सम्मान है, माँ बाप का पूरा मान सम्मान है इस तरह से। लेकिन भले ही उसको नॉलेज कुछ भी ना हो लेकिन उसको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कहने का मेरा तात्पर्य एक ही है कि जो ये संपादकीय पेज होता है ये किसी भी न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 इस पे अभिव्यक्ति लिखा हुआ होता है, पढ़ भी लेना आप, आपके पास अगर न्यूज़पेपर आता है तो उसमें देख भी लेना पेज नंबर 4, ठीक है भाई। आगे चलिए, इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई दी, कोई विशेष मुद्दा उठाते हैं और उस पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया, एग्जाम्पल बताया था, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये कुछ बातें बताई थी। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं, वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है, समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे है दूसरा अन्य आयाम है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता से क्या मतलब है, फोटो पत्रकारिता से मतलब है कि कोई भी खबर है चाहे वो न्यूज चैनल में, न्यूज चैनल के माध्यम से
दिखाई जाए लोगों को, चाहे वो फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर उस खबर के साथ उस खबर का उस घटना का फोटो भी होगा तो वो अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो उस पर ज्यादा आकर्षित होते हैं उस खबर की ओर। अब जैसा मान लीजिए ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ है, और वैसे कैटरीना कैफ के बारे में वैसे लिख दे न्यूज़पेपर में, तो कोई ज्यादा विशेष उस खबर को पढ़ेंगे नहीं। लेकिन कैटरीना कैफ का या ऐश्वर्या राय का कोई अच्छा सा फोटो उस खबर के साथ चिपका दिया जाए तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, उसके फोटो को देख के उस खबर को पढ़ने में दिलचस्पी अवश्य लेंगे। तो ये ही है, कोई भी जो घटना है उस घटना के साथ साथ उसका फोटो भी होना जरूरी है। जैसा कि बताया भी जाता है 1000 जो शब्द होते हैं, 1000 वर्ड, 1000 वर्ड्स एक तरफ और एक फोटो एक तरफ, यानी कहने का मतलब ये है कि एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होता है। ठीक है, देखिए आगे। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। यही बात मैंने आपको बता दी, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, या नोटबुक में लिख लीजिए। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। व्यापक का अर्थ होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ, विस्तृत। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है। कार्टून कोना, जैसे पंजाब केसरी न्यूज़पेपर है ना, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में क्या होता है, पहले तो संडे के दिन, अब तो इसमें बहुत कम आते हैं फिल्मों से रिलेटेड जो खबरें हैं, लेकिन पहले क्या होता था 5-6 साल पहले संडे को 2 या 3 पेज सिर्फ किसके होते थे, पंजाब केसरी में फिल्मों के। अब जैसे दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर में भी एक पेज पे फिल्मों के बारे में, हीरोइन हीरो के बारे में, कौन सी फिल्म रिलीज होनी है, इस फिल्म ने अभी रिलीज हुई है, उस फिल्म ने कितने पैसे कितने करोड़ों में कितने लाखों में कमाए हैं, आगे अक्षय कुमार की, धर्मेंद्र की या अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म आएगी, ये सभी कुछ उसमें बताया जाता है। ठीक है, चलिए कार्टून कोना। अब कार्टून, छोटे छोटे कार्टून होते हैं, वो मजाकिया कार्टून जैसे न्यूज पेपर होते हैं, न्यूज पेपर के पहले पेज पे नीचे इसका खट्टर साहब का कार्टून बना के और एक कटाक्ष व्यंग किया जाए किसानों से संबंधित या कोई भी या किसी का भी फोटो कार्टून बना के उस पर कटाक्ष व्यंग किया जाता है। तो ये कार्टूनों की एक अपनी अहमियत होती है न्यूज पेपर में, मैगजीन में, पत्रकारिता में, या सॉरी इसमें जो ये होती है आपकी मैगजीन उसमें, न्यूज पेपर में, टेलीविजन में तो कार्टूनों की वो होती नहीं, लेकिन टेलीविजन में आजकल आप देखते भी हो, छोटे बच्चे होते हैं वो कार्टून जो नाटक आते हैं उनको देखते रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ एजुकेशन सीख मिलती है। ऐसे न्यूज़पेपर में भी वो कार्टून होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सीख देते हैं। ठीक है, तो कार्टून कोना लगभग हर समाचार में होता है और उनके माध्यम से की गई स्टिक टिप्पणियां पाठक को छूती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी खट्टर का एग्जाम्पल देकर, कि खट्टर साहब का उसमें फोटो वोटो बना के या उसके मुंह पे काली स्याही लेपते और क्या कर देते हैं उसका मजाकिया तौर पे वो कार्टून सा बनाकर वो इसमें छाप देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय है। ये बात मैंने आपको बताई, ज्यादातर ये जो कार्टून होते हैं वो कौन से पेज पे छपते हैं, पहले पेज पे। ठीक है, आगे है, इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार बड़े और दारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। आगे है रेखांकन और कार्टोग्राफ, समाचारों को न केवल रोचक बनाते बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए, कार्टोग्राफ का क्या काम होता है। कार्टोग्राफ
समाचारों को रोचक बनाते हैं, यानी कि उनको इंटरेस्टेड बनाते हैं और उन पर टिप्पणी भी करते हैं जो खबरें प्रकाशित होती है। जैसे क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है। कार्टोग्राफी का मतलब यही है, एक ग्राफ के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से उस चीज को समझाना। जैसे वो ये होता है क्रिकेट में, क्रिकेट मैच चलता है या कबड्डी मैच है, प्रो कबड्डी, उसमें स्कोर ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे मान लीजिए हरियाणा स्टील है या दूसरी अन्य टीम है, उसके 22 पॉइंट हो गए, उसके 23 हो गए, उसके 24 हो गए, उसके सीधे 26 हो गए, इस तरह से पूरा ब्यौरा दिया जाता है उस पर। ठीक है भाई, आगे पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार। पत्रकारिता के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये जानिए। इसमें पत्रकारिता के प्रकारों में वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी किताब में 6-7 दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको लिखवा देंगे। खोजपरक पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्य और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल खोज पत्रकारिता का क्या है, जो हमारी ये CBI है, एक खोज पत्रकारिता, एक खोजी ये क्या करती है, एक जैसे कोई भी केस होता है उसमें बड़ी डीपली गहराई तक छानबीन करती है। जैसे ये सुशांत केस है, सुशांत केस में पहले तो ये था कि उन्होंने आत्महत्या की, फिर बात आई धीरे धीरे निकल के कि वो ड्रग्स ये नशा इत्यादि किया करते थे, फिर बात आई निकल के कि उनकी जो उनके साथ रहती थी उनकी प्रेमिका जो रिया चक्रवर्ती है, उन्होंने उनका उस उनको मारने में उनका महत्वपूर्ण हाथ है। तो ये क्या होता है, एक डीपली किसी भी चीज तक पहुंचना। मान लीजिए हमारा हरियाणा है या कोई अन्य जगह है देश की या विदेश की, उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पे जैसे पानीपत है, पानीपत में ये किला है जहां पर पानीपत की तीनों लड़ाइयां हुई थी। अब जो यहाँ पर अगर क्या करे, जाके छानबीन करे कि यहाँ पर 1526 में ही पहली लड़ाई इस जगह हुई, इस जगह ये दुश्मन थे और इस जगह जिनके साथ लड़ाई हुई ये थे, इतने लोग मारे गए, ये सभी पूरा जो आंकड़ा है, पूरा का पूरा आंकड़ा जो एकत्रित किया जाता है, उन आंकड़ों के आधार पे ही वो आगे फिर क्या करते हैं, खबर को प्रकट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये खोज पत्रकारिता का जो काम होता है, डीपली से किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, या तो जो दबा दी गई है या जिसको दबाने की या छुपाने की कोशिश की जा रही है उसको बाहर निकालना, ये इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, जैसे आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। अब भ्रष्टाचार या गड़बड़ियां जैसे अभी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो गड़बड़ियों से रिलेटेड, क्या है गड़बड़ियों से रिलेटेड, जैसे घोटाले किए जा रहे हैं, हर रोज आप क्या करते हो, अखबार पढ़ते हो, अखबार में आप देखते भी हो कि आज CBI ने वहां पे बिहार में लालू जी को इतने चारा घोटाला में पकड़ा और वहां पे उस नेता को या उस व्यक्ति को घोटाले में पकड़ा, जैसे तुझी को घोटाला हुआ था, मनमोहन सिंह का नाम आया, फिर ये चारा घोटाला उनका नाम आया, क्या नाम है लालू जी का। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का क्या था, उन्होंने गड़बड़ी की कि भाई उन्होंने इस तरह से इतने ये क्या नाम है टीचर्स लगा दिया ऐसे ही धोखाधड़ी करके, और आज वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है वहां पे वो अपने सजा काट रहे हैं। तो इस तरह
तरह से वो क्या है, वो एक खोजी पत्रकारिता का काम होता है कि उन्होंने कैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किस तरह से तो वो किया गड़बड़ी की, किस तरह से उन्होंने कितनी नौकरियां लगवाई, कितने उसमें उस नौकरी के लायक थे, कितने लायक नहीं थे, यानी कि योग्य उम्मीदवार कितने थे उस नौकरी के और अयोग्य कितने थे, और कितनों से पैसे लिए गए, कितने पैसे लिए गए, ठीक है। इस तरीके से वो पूरी की पूरी जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को एकत्रित करने का काम किया जाता है इसमें खोजी पत्रकारिता, ठीक है। और जैसे मैंने ये बताया आपको, अन्य एग्जाम्पल भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाठी ग्रामीणों की पहचान से जुड़ी है, ये किसी भी हमले को आसान बनाने का हथियार नहीं है। अब भास्कर ने ये क्या कि इस पे डीपली जाना शुरू कर दिया कि वाक्य में ही क्या पुलिस ने जो कुरुक्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले किसानों पर लाठी चार्ज किया था वो वास्तव में किया गया है, अगर किया गया है तो किसके कहने पे किया उन्होंने, अगर किसके कहने पर, गृह मंत्री के कहने पर, अनिल विज के कहने पे, सीएम के कहने पे, दुष्यंत चौटाला के कहने पे, या एसपी डीएसपी आईजी के कहने पे, डीसी के कहने पे, किसके कहने पे, इस खबर तक क्या होगा, इसको सूचनाओं को जुटाने में वो क्या करेंगे, अपनी एक टीम बना देते हैं, भास्कर है या फिर कोई अन्य है, और उस टीम को सिर्फ इस मुद्दे से रिलेटेड, इस घटना से रिलेटेड ही वो सूचना एकत्रित करेंगे और तय तक पहुंचते हैं। ये काम होता है खोजी पत्रकारिता का, ठीक है भाई। इसमें विशेष लोग ही काम करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इसमें। आगे है, खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया। जैसे हम लोग फिल्में नहीं देखते हैं, जैसे दामिनी फिल्म देखी होगी आपने, उसमें वो सच्चाई प्रकट करने के लिए दामिनी को मेंटल बता देते हैं, आखिर में सन्नी क्या करते हैं, उनकी सच्चाई को कोर्ट में पेश करते हैं और उन्हें जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया था दामिनी ने कि इनको अपने देवर को सजा दिलवानी है, और इस तरह से आखिर में वो कामयाब भी हुई। उन्होंने क्या किया, सबूत इकट्ठे किए, सभी कुछ इकट्ठे, गवाह इकट्ठे किए, तब जाके उन्हें उस काम में सफलता प्राप्त हुई। तो ये एक तरह से यही खोजी पत्रकारिता होती है, ठीक है भाई। आगे चलिए, खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। स्टिंग ऑपरेशन से अभिप्राय क्या है, स्टिंग ऑपरेशन जैसे पीछे था कि नरेंद्र मोदी जी के कहने पर इस भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे हमला बोल दिया रात को 3 बजे। अब कुछ जो पार्टियों के वरिष्ठ नेता वो क्या कह रहे हैं, ये तो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए ये चीजें की गई है, ये तो इस तरह से ऐसा कोई भी अटैक नहीं हुआ पाकिस्तान पे जगह पे या कुछ भी है इस तरह से। लेकिन टेलीविजन वालों ने क्या किया, वो स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जैसे डीएनए टेस्ट किया जाता है सुधीर चौधरी के द्वारा या दीपक चौरसिया या अन्य जो ये है क्या नाम है न्यूज चैनल, आप अपने न्यूज चैनल के अनुसार जो एंकर होते हैं वो बताते हैं, वो एक एक खबर को, एक एक घटना को, एक एक चित्र को, उस घटना से रिलेटेड जो फोटो होते हैं, जो चित्र होते हैं वो दिखाए जाते हैं, तब वो अपने उस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उस खबर के तह तक पहुंचते हैं, ठीक है। आगे है, हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में, शैशव काल से अभिप्राय बचपना बालकपन में, जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मैंने एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। जैसे अभी पीछे जैसे बीजेपी ने
इसमें हरियाणा राज्य में बीजेपी सरकार आई, उस समय सीबीआई हुड्डा जी के पीछे लगा दी थी, हुड्डा के पीछे। तो लेकिन वो सीबीआई ये वो जो सबूत है एकत्रित नहीं कर पाई कि हुड्डा जी भी उसमें क्या है, भ्रष्ट है, ठीक है। और जैसे गांव में है, गांव में हुड्डा को तो मारो गोली, आप हुड्डा चौटाला को मारो गोली। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, सीधी सी बात है, गांव में है, गांव में सरपंच है, गांव का सरपंच है। और कई बार आप देखते भी हो आईटीआर लगा देते हैं, आईटीआर गांव के सरपंच की या किसी भी व्यक्ति की, उस आईटीआर के तहत हम खबरों को उसकी पूरी की पूरी घटना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। महीने में दो महीने में वो पूरी जो खबर है आप तक पहुंच जाती है कि गांव के सरपंच ने गांव में जो ये काम किया है उसमें कितना पैसा लगाया और कितना उन्होंने हड़पा है, कितना खाया है, ये सभी कुछ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो तय तक धीरे 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 आप सबूत इकट्ठे करते जाते हो, और फिर जब आपके पास वो मजबूत सबूत आपके पास हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, उसके सरपंच, गांव के सरपंच के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करा देते हो, एफआईआर दर्ज। और जैसे ही उस पे वो जांच पड़ताल के तहत गांव का जो सरपंच है वो गबन में या उसमें भ्रष्टाचार में जैसे भी वो मिलता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये काम किसका होता है, ये पूरा का पूरा काम खोजी पत्रकारिता का होता है। आगे है दूसरा पॉइंट, देखिए विशेषीकृत पत्रकारिता, पूछे जाएंगे इसमें से एक एक नंबर के पेपर में आएंगे भी, विशेषीकृत पत्रकारिता क्या होती है, खोजपरक पत्रकारिता क्या होती है, वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होती है, ध्यान से पढ़ना भाई। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना, पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है, पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के साथ प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। यानी कि ये जो पढ़ चुके हैं ना हम, संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, ये सभी भी पत्रकारिता के अन्य प्रकारों में आते हैं। फैशन पत्रकारिता, फैशन में आपको फैशन के संदर्भ में मिलेगा। आर्थिक पत्रकारिता में आपको देश की विदेश की आर्थिकता के संदर्भ में मिलेगा। न्यायालय पत्रकारिता में न्यायालय से संबंधित वही, उस जज ने इतने अपराधियों को सजा दी, इतने सालों तक काम किया। संसदीय पत्रकारिता में संसद से संबंधित, और साइंस पत्रकारिता में यानी कि विज्ञान पत्रकारिता में कि भारत ने देश में किन किन चीजों का, साइंस ने अन्य किन नई चीजों का आविष्कार किया, विदेश में अन्य नई किन चीजों का आविष्कार हुआ। खेल पत्रकारिता में खेलों से रिलेटेड, फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, कबड्डी से, इनसे रिलेटेड खिलाड़ियों के फोटो मिलेंगे और उनसे रिलेटेड सूचनाएं मिलेंगे, ठीक है। आगे है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं, यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का एक मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इस परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता, इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। यानी कि वॉच
वॉच का मतलब होता है देखना, वॉच का मतलब क्या होता है देखना, ठीक है। यानी कि देखने से अभिप्राय क्या है कि वॉच डॉग पत्रकारिता का क्या काम होता है, सरकार के जो भी काम काज है उन पर निगरानी रखना कि सरकार अगर कोई भी गलत स्टेप उठाती है तो उसे उस गलत स्टेप को उठाने के लिए रोकना ही इसका काम होता है। अब जैसे किसानों से रिलेटेड कुछ बिल पास कर रही है सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार मिलकर, लेकिन वॉच डॉग पत्रकारिता का काम क्या है, वो ये देखेगी, वो ये बताएगी कि ये जो बिल पास करने जा रही है सरकार किसानों से संबंधित, ये गलत है, सरासर गलत है, इसमें इस तरह का परिमार्जन, इस तरह का सुधार होना चाहिए। ये चीज अगर सरकार और इसके अंदर डाल देती है तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों का और बहुत फायदा हो सकता है। तो ये चीजें क्या करती है, वो जो पत्रकारिता एक विशेष ध्यान रखती है सरकार के काम काजों पर। यानी कि आप अगर पूछा जाए पेपर में कि वो जो पत्रकारिता क्या का क्या काम है, तो आप क्या लिखोगे, सरकार के काम काजों पर विशेष ध्यान रखना ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, अगर कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उनका पर्दाफाश करना ही इस पत्रकारिता का काम होता है, ठीक है, इस तरह से लिखोगे। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी तरफ से समाचार न्यूज चैनल वाले कोई भी खबर नहीं देना चाहते, जैसे आप सूचना प्रसारण मंत्री है, आप सूचना प्रसारण मंत्री को देखिए, लोगों ने आग्रह किया, निवेदन किया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जीमेल पे, जैसे भी हो, कि इस लॉकडाउन में रामायण को दिखाया जाए, महाभारत को दिखाया जाए, शक्तिमान नाटक को दिखाया जाए, इस तरीके से। तो जो प्रसारण मंत्री है उन्होंने तुरंत ही क्या कर दिया, न्यूज चैनलों को, दूरदर्शन जो प्रस्तुत करते हैं उन्हें तुरंत ही आदेश दे दिया और तुरंत वो चैनल शुरू हो गए, और सॉरी वो नाटक है वो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारे आम जीवन से जो संबंध रखते हैं, वो जो हमें सीख देते हैं। तात्पर्य ये है कि इनका काम सिर्फ क्या होता है, ये जो भी खबरें छापते हैं वो सरकार के कहने पर, अधिकतर जो खबरें छपती है वो सरकार के कहने पर ही छपती है, ठीक है। चलिए, आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। आगे है एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं, एडवोकेसी, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे या उद्देश्य को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर जोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। एक करंट का एग्जांपल आपको बता दूं, जो 2010 में जो पीटीआई लगाए थे हुड्डा जी ने, अब उन्हें निलंबित कर दिया, हटा दिया उन पीटीआई को। अब क्या कर रहे हैं वो जगह जगह धरना दर रहे, उन्होंने वो प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर, ठीक है, कि हमारे 10 साल का अनुभव हो गया काम करते हुए, इस तरह से हम बेरोजगार हो जाएंगे, ये वो इस तरह से, ठीक है। तो इस मुद्दे को जो न्यूज चैनल वाले हैं, न्यूज पेपर वाले हैं, प्रतिदिन अपने न्यूज पेपर में इस घटना को, इस मुद्दे को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और छापते हैं और लोगों का समर्थन पाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे
टेलीविजन है, टेलीविजन पर मान लीजिए चुनाव होने शुरू हो जाए, अभी चुनाव होना शुरू हो जाए और चुनाव में टेलीविजन वाले क्या कहेंगे कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने 70 साल तक भारत देश पे अपना अधिकार जमाए रखा लेकिन इस देश के लिए, इस देश के विकास में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया, देश को विकसित नहीं किया, क्या आप ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे या फिर एक ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे जिन्होंने पूरे देश को अपने कदमों में झुका दिया, जो देश के लिए मर मिटने के लिए, देश की खातिर वो हमेशा मर मिटने को भी तैयार रहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिन्होंने चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस अमेरिका, जो अमेरिका वीजा नहीं लगाया करता था, आज वही अमेरिका बगैर वीजे के भी ऐसे बोलता कि आप हमारे देश में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट देना पसंद करोगे। तो इस तरह से वो क्या कहीं ना कहीं उनका क्या मकसद होता है, उनका मकसद एक ही है कि कांग्रेस की काट करके और बीजेपी का समर्थन जुटाना, आई बात समझ। तो ये बात होती है इसमें एडवोकेसी पत्रकारिता, ठीक है भाई। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा भारत में कुछ भी, भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल इस खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चला। अब एक और छोटा सा एग्जांपल बता दो इसमें। अब जैसे ये है, मान लीजिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, जेल से बाहर आ जाए और आज वो अपनी पार्टी को लेकर लोगों के बीच में जाए तो पब्लिक उनके साथ हो जाएगी। चौटाला जी का कुछ तो चौटाला जी के दर्शनों के अभिलाषी होंगे, कुछ दोबारा से चौटाला जी के मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा राज्य में देखना चाहेंगे, कुछ चौटाला जी के चेहरे के, उनके हाव भाव के, उनके क्या तो उनकी आवाज में जो दम पहले हुआ करता था वो वही दम, वही सोचता आज भी चौटाला की है। तो इस तरह से चौटाला के साथ वो क्या हो जाते हैं, गाड़ियों में, बाइकों पे, इस तरह से लाइनों में चलते हैं। आप देखते नहीं हो फिल्मों में, जैसे साउथ की फिल्मों में दिखाया जाता है रोड पर, या जो गुंडे, एक मुख्य गुंडा होता है और बाकी उनके सहयोगी गण होते हैं, गाड़ियों में भर भर के वो उनके आगे पीछे चलते रहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही एडवोकेसी पत्रकारिता में भी लोगों का समर्थन जुटाने के लिए किसी एक खास मुद्दे पर अपनी राय प्रकट किया करते हैं, ठीक है। चलिए आज तक बस सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी फिर करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए भाई पूछिए। निकिता कुछ पूछना है?